हेलो बच्चों, अब हम अगला नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 10, कोशिका तथा कोशिका के अंगक। इसके पूर्व की कक्षाओं में आपने देखा है कि कोशिका यह सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। विभिन्न अंगों में कार्य के अनुसार विभिन्न आकार एवं प्रकारों की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ आपको वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका की आकृति दिखाई गई है। कोशिका में कार्य किस प्रकार होता है, इसे समझने के लिए हमें कोशिका के प्रत्येक घटक का अध्ययन करना होगा, तो आज हम वो करेंगे। तो हम देखेंगे कोशिका के भाग। तो सबसे पहला भाग होता है कोशिका भित्ति। शैवाल, कवक तथा वनस्पति कोशिका के चारों ओर पाई जाती है। प्राणी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका भित्ति अर्थात कोशिका पटल के चारों ओर पाया जाने वाला मजबूत तथा लचीला आवरण। कोशिका भित्ति मूलतः सेल्युलोज और पैक्टिन इन कार्बोज पदार्थों से बनी होती है। कुछ कालावधि के बाद आवश्यकतानुसार लिग्निन, सुबेरीन, क्यूटीन जैसे बहुलक कोशिका भित्ति में तैयार होते हैं। कोशिका को आधार प्रदान करना, कोशिका में प्रवेश करने वाले अतिरिक्त जल को रोककर कोशिका का संरक्षण करना कोशिका भित्ति के कार्य हैं। अब हम देखेंगे प्ररस कला अर्थात कोशिका कला। यह कोशिका के चारों ओर पाया जाने वाला पतला, कोमल एवं लचीला आवरण है जो कोशिका के घटकों को बाहरी परिवेश से अलग रखता है। वसायुक्त द्विस्तरों के बीच घुले हुए प्रथिन के अणु, ऐसी प्ररस कला की रचना होती है। प्ररस कला कुछ निश्चित पदार्थों को अंदर आने देती है तथा कुछ निश्चित पदार्थों को बाहर जाने देती है, तो कुछ पदार्थों को रोकती है, इसलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इस गुणधर्म के कारण पानी, नमक, ऑक्सीजन जैसे उपयोगी अणु कोशिका में प्रवेश करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वर्ज्य पदार्थ कोशिका के बाहर परागमन करते हैं। कोशिका के बाहर कुछ परिवर्तन हो तो भी कोशिका के भीतर पर्यावरण एक जैसा रखने का कार्य प्ररस कला करती है, इसे हम समस्थिति कहते हैं। थर्ड हम देखेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य यह चिपचिपा पदार्थ होता है, निरंतर हलचल करता रहता है। इसमें कई कोशिका अंगक बिखरे होते हैं। कोशिका में रासायनिक अभिक्रिया घटित होने हेतु कोशिका द्रव्य यह एक माध्यम है। कोशिका अंगकों के अलावा कोशिका में कोशिका द्रव्य भी होता है। कोशिका द्रव्य में अमीनो अम्ल, ग्लूकोज, जीवन सत्व संग्रहित होते हैं। बड़ी केंद्रीय रिक्तिकाओं के कारण वनस्पति कोशिका में कोशिका द्रव्य यह एक किनारे की ओर ढकेला हुआ होता है। वनस्पति कोशिका का कोशिका द्रव्य प्राणी कोशिका के कोशिका द्रव्य की अपेक्षा अधिक कणाकार एवं सघन होता है।